हेलो एवरीवन इन दिस वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट एम्स पैरा मेडिकल आपका कैटेगरी वाइज कितने आपको नंबर लाने हैं उस हिसाब से आप 2022 का हम देखेंगे मेरिट लिस्ट जो सबसे पहले रिलीज हुई थी कि आपका जो फर्स्ट रैंक था जिसका भी वो ओबीसी कैटेगरी से था और उसकी परसेंटेज जो थी 84.074 है अब ये 84 आप क्या इसको एज अ नंबर लेके चलो कि हंड्रेड में से उसके एटी आए थे तब उस स्टूडेंट की ओवरऑल रैंक वन आई थी उसके बाद बात करेंगे कि जो फर्स्ट राउंड में आपका मतलब जिन्हें बुलाया गया था काउंसलिंग के लिए वो किस रैंक तक था जैसे यू आर है आपका मतलब जनरल कैटेगरी थ्री टू एट मार्क्स मतलब रैंक तक बुलाया गया था और ओ में आपका ओ में आपका फोर सिक्सटी तक बुलाया गया था उसके बाद एस में आपका सिक्स फोटी रैंक तक बुलाया गया था एस में सेम आपका सिक्स थर्टी टू में बुलाया गया था और आपका ई डब्ल्यू एस थ्री टू फाइव तक ठीक है उसके बाद बात करते हैं कि आप इस रैंक तक कितने मार्क्स थे तो ये पी मैं टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूँगी तो वहाँ से आप देख लेना और अभी जो मैंने नोट डाउन किया है उस हिसाब से मैं बता रही हूँ कि जो थ्री वाले थे ना उनके फिफ्टी के अप्रोक्स मार्क्स थे फिफ्टी के ठीक है फोर सिक्सटी वाले के आपके फोर्ट से लेस थे फोर्टी से लेस थे आप ये सोच सकते हो कि यहाँ पे फोर्टी फाइव वाला रूल यूज़ नहीं हुआ है और सिक्स फोर्टी जिसको बुला रखा था उसके भी फोर्टी से लेस थे आप देख सकते फोर सिक्सटी फाइव अगर फोर्टी से लेस हैं तो सिक्स uh, फोर्टी पे तो और ज़्यादा कम होंगे तो ऐसी में उस तक उस बच्चे तक को बुला रखा था जिसके फोर्टी से कम है और सिक्स थर्टी टू सेम वही फोर्टी से लेस हैंगी और थ्री टू फाइव है आपका फिफ्टी मार्क्स के अप्रोच तो ई और जनरल वालों को उतना uh, छूट नहीं दे रही है जितनी uh, मतलब एस सी में बुला लिया गया है या ओ में भी चालीस से कम वालों को बुला लिया गया है तो यू वाले और जो भी ई वाले बच्चे हैं वो हमेशा मतलब अभी ट्राई करो कि फ़िफ्टी प्लस ही आपके नंबर आएँ एम्स और सॉरी नर्सिंग और पैरामेडिकल में उसके बाद जो भी आपके ओ बी सी एस हैं ये सब अपने क्या करें अपने जो भी आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट्स होते हैं ट्राई करें कि वो सेंट्रल का हो और वैलिड डेट का हो एंड रिन्यू करा लें उन बार बार मतलब उनको रिन्यू करा लें आप और उसके बाद आप एक चीज़ और ध्यान रखना कि अगर आपके अभी पिछले साल ये रूल फॉलो नहीं हुआ क्या पता इस साल फॉलो कर ले वैसे तो बहुत सी सीट अभी भी वैकेंटी थी आपकी लास्ट राउंड तक उसके बाद कोई नोटिफिकेशन आया ही नहीं तो आप देख सकते हो कि आपको क्या करना है फोर्टी प्लस लाने अगर आप ओ से हो और फोर्टी प्लस लाने अगर आप एस सी से हो पिछले साल ये रूल आपका आया है पर फॉलो अच्छी तरीके से नहीं हुआ है तब अगर सीट्स बचती हैं तो वो और काउंसिलिंग को फर्दर प्रोसीड करते हैं तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि आपको कितने नंबर लाने हैं ठीक है